नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल म्यूजिकल बिलिनियर पे। मैं हूँ सुमन सरकार, एक प्रोफेशनल गिटारिस्ट एंड क्लासिकल सिंगर। तो आज फिर से एक नए वीडियोस के साथ आप लोग के बीच में हाजिर हूँ। और हर बार की तरह जो कि पिछले कई महीनों से सीरीज चल रहा है हम लोग का यूनिवर्सिटी का, तो एक फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी जो है आप लोग के बीच में मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, और इसी के बारे में आज पूरी डिटेल में जानेंगे। तो जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा कि स्क्रीन पे रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी है कोलकाता के अराउंड। जो भी वेस्ट बंगाल में रहते हैं या वेस्ट बंगाल के कल्चर को समझना चाहते हैं, वहाँ पे जो रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में जो बहुत ही स्पेशल टाइप एक संगीत सिखाया जाता है रविंद्रनाथ टैगोर के, उसको सीखना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है। और ऑलमोस्ट जो भी वेस्ट बंगाल में है वो इसी यूनिवर्सिटी को प्रेफर करते हैं अगर वो म्यूजिक से पढ़ना चाहते हैं। तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा फैकल्टी ऑफ आर्ट्स फाइन आर्ट्स एंड विजुअल आर्ट्स रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी कोलकाता लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे। तो इसी के बारे में डिटेल में आज हम लोग जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि म्यूजिक से जुड़ा हुआ कोई भी वीडियो आपसे अछूता ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। तो आप लोग मेरे कर्सर को फॉलो करते रहिएगा, मैं उसी के हिसाब से जो है सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों के सामने। ओके, तो ये प्रोस्पेक्टस है आप लोग के सामने। प्रोस्पेक्टस मतलब मैं बता देता हूँ आप लोग को, प्रोस्पेक्टस मतलब होता है यूनिवर्सिटी के ओवरऑल एक जानकारी के बारे में, क्या कोर्सेज है, कहाँ पे यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है, कौन कौन से प्रोफेसर है, डीन से कैसे जो है रेगुलेट होते हैं सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी में, ये सारी चीज़ें लिखा हुआ रहता है प्रोस्पेक्टस में। इसको समटाइम यूनिवर्सिटी बुलेटिन भी कहते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी जो है अपना अलग अलग निकालते हैं हर साल का, ठीक है। ये भी रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी का एक प्रोस्पेक्टस है, ये नया ही है 2022 का। तो इसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे क्या है चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये पिक्चर्स जो दिए हुए हैं, ये रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी का पिक्चर है, ठीक है। इसी के नीचे हम लोग आते हैं तो यहाँ पे लिखा है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स फाइन आर्ट्स एंड विजुअल आर्ट्स रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी कोलकाता। तो ये जो है गाइस, इसमें म्यूजिक ही नहीं है। अगर आप आर्ट्स सीखना चाहते हैं, आर्ट्स में कई सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे लैंग्वेजेस आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आते हैं, लैंग्वेजेस स्पेशली इसमें आते हैं, फाइन आर्ट्स जिसमें म्यूजिक वगैरह आते हैं, विजुअल आर्ट्स जैसे ड्राइंग वगैरह आते हैं, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग नीचे की ओर चलते हैं और देखते हैं इसमें और क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये है मेरा कर्सर, इसको आप लोग फॉलो करिए, ठीक है। देखिए ये मेरा कर्सर है जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसी के हिसाब से मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे ऊपर लिखा है प्रोस्पेक्टस फैकल्टी ऑफ आर्ट्स फाइन आर्ट्स एंड विजुअल आर्ट्स रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी, ये पब्लिश बाय, ये सारी जिसने पब्लिश किया है ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। तो गाइस देखिए ये एड्रेस वगैरह और फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं, अगर आप इसका जो है कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी से तो डायरेक्टली यहाँ पे वेबसाइट्स दिए हुए हैं, ईमेल आईडी फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं। देखिए गाइस इसका कैंपस है, ठीक है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, और कैंपस के अंदर भी कई सारे ब्रांच होते हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस है, उसी तरह साउथ कैंपस के अंदर बहुत सारे। तो रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी का भी 3 कैंपस है। देखिए यहाँ पे लिखा है एमराल्ड बावर कैंपस, इसके बारे में नंबर्स दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। फिर सेकंड जो है दूसरा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दूसरा कैंपस के बारे में, जोरासांको कैंपस, इसके भी नंबर्स वगैरह दिए हुए हैं, फ़ोन नंबर्स, ठीक है, और एड्रेस भी दिया हुआ है। फिर साल्ट लेक कैंपस, 3 कैंपस है इसके, ठीक है। तो ये तीनों के बारे में जो है इसका डिटेल्स लिखे हुए हैं। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे फीस लिखा है, प्राइस, ठीक है, एमआरपी लिखा है। ये प्रोस्पेक्टस का 600 रुपया देना पड़ेगा, ये इसका मतलब एक किताब रूप में आता है, ठीक है, जो कि यूनिवर्सिटी से आपको प्राप्त होगा, उसको अगर लेंगे तो 600 रुपये में आता है। और अगर आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं तो इसके वेबसाइट में जाके ले सकते हैं, ठीक है, जो कि है यहाँ पे, देखिए इसका जो वेबसाइट है यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ऊपर, देखिए यहाँ पे www.rbu.ac.in ये है, ठीक है। इसके वेबसाइट पे जाके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा खोजना पड़ेगा आपको, वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट हमसे लेना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पर आप हाई लिख के भेजिए हमें, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसको दे देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं, देखिए तो यहाँ पे रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड है इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानने के लिए तो यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखा हुआ है, कभी एस्टेब्लिश हुआ था, कौन कौन से ब्रांच है,
कैसे ये प्रोग्रेस किया, ऑल दिस। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे जाके पढ़िए। मैं थोड़ा पॉज भी कर दे रहा हूँ, चलिए आप इसी जगह पढ़ सकते हैं पॉज करके। देखिए ये पहला पैरा है, फिर दूसरा पैरा, तीसरा पैरा, तो बस इतना ही है। उसके बाद देखिए फैकल्टीज दिया हुआ है, देयर आर 3 फैकल्टीज इन द यूनिवर्सिटी, बीज फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स। ठीक है, तो 3 डिपार्टमेंट में देखिए ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में इतने सारे चीज़ें आते हैं। ठीक है, मैक्सिमम इसमें लैंग्वेजेस आते हैं, फिलोसफी, मैथमेटिक्स, सारी चीज़ें इसमें आर्ट्स में आ जाता है। ठीक है, फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स में क्या क्या आते हैं, संगीत से जुड़ा हुआ जितना भी है, म्यूजिक से जुड़ा हुआ फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स में आते हैं। फिर फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स में वही ड्राइंग वगैरह, ठीक है, मैक्सिमम उसी से जुड़ा हुआ आते हैं सारी चीज़ें, तीनों फैकल्टी है। तो आज हम लोग बात करेंगे फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स म्यूजिक से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये चैनल म्यूजिक से जुड़ा हुआ है और हम लोग म्यूजिक की बातें करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस जो प्रोस्पेक्टस है इसको डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप पे करिए, हम दे देंगे आपको, आप अपने सहूलियत के हिसाब से अपना चूज कर लीजिएगा। तो चलिए सीधा फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स पे हम लोग चलते हैं। तो फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स में हम लोग आ चुके हैं म्यूजिक से जुड़ा हुआ, जिसमें इंफॉर्मेशन है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, उनका पिक है यहाँ पे। ठीक है, नीचे आएंगे हम लोग, तो ये देखिए फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स इस तरह कुछ दिखता है। ठीक है, एक फोटो दिया हुआ है यहाँ पे, नीचे आएंगे तो हम लोग को सारी डिटेल्स मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिपार्टमेंट अंडर द फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर करके दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, बाकी आप लोग समझ जाइए। एक डिपार्टमेंट अंडर द फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स, तो यहाँ पे देखिए डीन है मिस्टर, सॉरी डॉक्टर महुआ मुखर्जी। ठीक है, यहाँ पे सारे बंगाली लोग से हैं। ठीक है, ज़्यादातर बंगाली लोग आपको मिलेंगे, ज़्यादा प्रोफेसर और स्टूडेंट ऑल दस बंगाली ही मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अंडर द फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स देर आर 7 डिपार्टमेंट्स, मतलब 7 डिपार्टमेंट है अंडर द फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स। ठीक है, पहला रविंद्र संगीत है, जिसे सबसे इम्पोर्टेंट, इसी पे फोकस किया जाता है वहाँ। ठीक है, रविंद्र संगीत, फिर डांस का है, फिर ड्रामा, वोकल म्यूजिक, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक जिसमें सारे आ जाते हैं, म्यूजिकोलॉजी, स्टडी ऑफ म्यूजिक, ठीक है, ओनली थ्योरी म्यूजिक, मास कम्युनिकेशन एंड वीडियोग्राफी, ये देखिए इंपॉर्टेंट कोर्स है, ये बहुत ही कम यूनिवर्सिटी में मिलता है। ठीक है, जो कि रविंद्र भारती संगीत में है। एकेडमिक प्रोग्राम ऑफर्ड अंडर द फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन कैसे लेना है इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा यहाँ पे। तो आइए इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर डिपार्टमेंट लिखा हुआ है और फिर कोर्स लिखा हुआ है। ठीक है, फिर कोर्स लिखा हुआ है, ड्यूरेशन लिखा है यहाँ पे, फॉलो करते रहिए कर से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखिए इसमें तो ज़्यादा तामझाम नहीं है। ठीक है, आपको आसानी से यहाँ एडमिशन मिल सकता है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोग को कुछ जानकारी देता हूँ। मान लीजिए अगर आपको बीए इन म्यूज़िक करना है, डिप्लोमा इन म्यूज़िक करना है, मास्टर इन म्यूज़िक करना है, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करें, और आप काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पर सर्च करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका हमारे पास है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी का, एग्जाम्पल रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी का ही करना चाहते हैं, तो इसके लिए एंट्रेंस होगा। ठीक है, किसी भी म्यूज़िक यूनिवर्सिटी में जो भी है पूरे इंडिया में, उसमें एंट्रेंस के बेसिस पे लिया जाता है, पहले एंट्रेंस होगा, उसमें पास करना होगा, तभी आपका जो है एग्ज़ाम क्लियर होगा और आपका एडमिशन होगा। तो इसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है, और आजकल कॉमर्स, साइंस, इन सारी चीज़ों के लिए भर भर के एकदम इंस्टीट्यूट है, कोचिंग सेंटर है, जहाँ तैयारी कराई जाती है हर लेवल पे, ISPCS हर चीज़ का। बट संगीत की एक भी मुश्किल से कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं होगा लोकल लेवल पे जहाँ तैयारी किया जाता है। इसीलिए आप लोगों के हेल्प के लिए ये चैनल बनी हुई है, और हम लोग जो है ऑनलाइन तैयारी भी कराते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी तैयारी आसानी से यहाँ से कर सकते हैं, और उसके साथ ही साथ हम लोग ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, नोट्स देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देते हैं, मतलब जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और सेकंड चीज़, अगर आप प्राइवेट करना चाहते हैं, सपोज़ कि आप बहुत बिजी रहते हैं, काम आपके पास है, टाइम नहीं मिल पाता है, बट स्टिल आप म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, कॉलेजेस नहीं जाना चाहते हैं, और उतना क्लासेस रोज़ रोज़ अटेंड नहीं करना चाहते, तो आपके लिए भी एक सुनहरा मौका है। हम लोग
प्राइवेट कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, और ये जो प्राइवेट कोर्सेज है वो प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में एक डिटेल वीडियो हम बना के रखे हैं अपने चैनल पे प्रयाग संगीत समिति वाला, उसको जाके आप देख लीजिए, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूँ, जाके चेक कर लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग प्राइवेट कोर्स करते हैं, 3 ईयर्स का डिप्लोमा करना है आपको, BA इन म्यूजिक करना है और MA इन म्यूजिक करना, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से, ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, या डांस में भी इवन आप अगर करना चाहते हैं तो वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, ऑनलाइन क्लासेस सारी दी जाएगी। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं। मैं वाराणसी में रहता हूँ, आप लोग को सबको पता है, तो वाराणसी में आके आप हमसे मिल सकते हैं, या मेरा इंस्टीट्यूट सेंटर चलता है वहाँ पे आप जाके अपना कोचिंग सेंटर ले सकते हैं और अपना रेगुलर क्लास यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही एक ओवरऑल जानकारी कि आप कैसे जो है चीज़ों को अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ऊपर नंबर दिख रहा होगा मेरा, आपको कॉलिंग और व्हाट्सएप दोनों कर सकते हैं आप इस पे नंबर, मैं 24/7 अवेलेबल रहता हूँ इस पे रिप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो मेक अ कॉल और सेंड मी अ मैसेज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो आइए इसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, कोर्स ड्यूरेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो इसको हम लोग बारीकी से समझते हैं करके। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे रविंद्र संगीत की बात हो रहा है, देखिए ये डिब्बा बने हुए हैं, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। तो ये डिब्बा बने हुए देख रहे हैं, ये डिब्बा रविंद्र संगीत के बारे में पूरा, ये BA कैसे कर सकते हैं, MA कैसे कर सकते हैं, MPhil PhD कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में। फिर नीचे आएंगे तो फिर वोकल म्यूजिक का एक डिब्बा अलग से बना है, फिर डांस का, ठीक है। तो एक एक करके हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, फटाफट आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा जो है वीडियो स्लो लग रहा है तो आप ऊपर जाके थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, 1.25 पे स्पीड पे करके देख सकते हैं, थोड़ा तेज भागेगा, ठीक है। मैं धीरे धीरे बोलता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए, ठीक है। तो सबसे देखिए पहले कोर्स है रविंद्र संगीत की बात हो रहा है यहाँ पे, रविंद्र संगीत में BA में PhD करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो इसको एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो बाकी नीचे मैं एक्सप्लेन करूँगा, जैसे डांस में BA कैसे करना है, वोकल म्यूजिक में, तो उसका प्रोसेस सेम है, बस इसको मैं एक को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, उसके हिसाब से सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा। तो BA अगर करना चाहते हैं आप रविंद्र संगीत में, ठीक है, तो रविंद्र संगीत में BA करना चाहते हैं, या वोकल में BA करना चाहते हैं, डांस में BA करना चाहते हैं, सबका प्रोसेस एक ही है, बस अलग अलग यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो BA ऑनर्स, ठीक है, BA ऑनर्स इन रविंद्र संगीत, आप लोग समझ जाइएगा, ये सारी चीज़ें सेम है, वोकल म्यूजिक, डांस, ड्रामा, सारी चीज़ें में प्रोसेस सेम है, एलिजिबिलिटी सेम है, ठीक है। बस जो है स्ट्रीम मतलब सब्जेक्ट चेंज है, ठीक है, कि अगर रविंद्र संगीत में आप BA करना चाहते हैं तो रविंद्र संगीत से डिप्लोमा होना चाहिए, वोकल में BA करना चाहते हैं वोकल में डिप्लोमा होना चाहिए, सेम वोकल में अगर MA करना चाहते हैं वोकल में BA होना चाहिए, रविंद्र संगीत में मास्टर करना चाहते हैं तो रविंद्र संगीत में बैचलर होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये जो BA है 3 ईयर्स का है, सेमेस्टर सिस्टम है, मतलब सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा, इसका ही मतलब है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 3 ईयर्स का BA होता है, तो यहाँ पे भी BA लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी में BA में क्या लिखा हुआ है, हाई स्कूल H.S लिखा हुआ है, इसका मतलब हाई स्कूल प्लस 2, ठीक है, मतलब 12 पास होना चाहिए। इट्स इक्विवेलेंट टू द स्पेशल एप्टीट्यूड इन रविंद्र संगीत, मतलब, और स्पेशल एप्टीट्यूड का मतलब आप समझ जाइए, यहाँ पे आपका डिप्लोमा मांग रहा है, ठीक है, मतलब रविंद्र संगीत में BA करने के लिए आपका डिप्लोमा होना चाहिए 3 ईयर्स का, ठीक है। तो देखिए डिप्लोमा के बारे में कोई खास यहाँ पे लिखा नहीं है, पूरे प्रोस्पेक्टस मैंने पढ़ डाला, ठीक है, लेकिन डिप्लोमा के बारे में नहीं लिखा हुआ है कि क्या रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा कराया जाता है कि नहीं, ठीक है, इसके बारे में एकदम नहीं लिखा हुआ है। बट आई एम वेरी मच श्योर कि डिप्लोमा का कोर्स भी है इसमें 3 ईयर्स का, तो उसमें प्रोसेस सेम होगा, एंट्रेंस देना होगा, फिर उसके बेसिस पे आपको एग्जाम देना है, ठीक है, तो उसी के बेसिस पे आपका चयन होगा, मतलब सिलेक्शन। तो डिप्लोमा के बारे में लिखा नहीं है, बट यहाँ डिप्लोमा मांगा जा रहा है, स्पेशल एप्टीट्यूड इन रविंद्र संगीत, मतलब 3 साल का डिप्लोमा यहाँ मांगा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो ये हो गया BA ऑनर्स का, ठीक है। अगर आपको डिप्लोमा के बारे में नहीं पता है तो इसके बारे में मैंने अच्छे से जो है वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या पेज पे जाके अच्छे से देख लीजिए, कई सारे वीडियोस बने हैं, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक मेरा वीडियो वायरल हुआ था, उसको आप देख लीजिए तो पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो भी एलिजिबिलिटी है या ड्यूरेशन है सारे अगल बगल ही घूमते हैं, ठीक है, मतलब कि सारे एक ही जैसे रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मास्टर के बारे में बात हो रहा है, मास्टर करने के लिए आपको जो है 2 ईयर्स का सेमेस्टर एग्जाम होगा, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, मास्टर में अगर आप करना चाहते हैं इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह, तो मास्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए अंडर सेमेस्टर सिस्टम है, तो यहाँ पे मास्टर करने के लिए देखिए एलिजिबिलिटी क्या क्या दिया, देखिए जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये
जो डिप्लोमा एमए और बीए ऑनर्स स्पेशल इन रविंद्र संगीत और एनी अदर सब्जेक्ट फ्रॉम एनी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड अंडर विथ स्पेशल एप्टीट्यूड इन रविंद्र संगीत। मतलब ऐसे भी होता है, मान लीजिए आपने इंग्लिश में एमए किया है और आप फिर से एमए करना चाहते हैं रविंद्र संगीत में, तो आपका जो है डिप्लोमा होना चाहिए 3 ईयर्स का और मास्टर इन एनी सब्जेक्ट, और फिर आपका दोनों को मिला के जो है एम ए इन म्यूजिक हो जाएगा। मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए आपने इंग्लिश में एम ए किया हुआ है, ठीक है, और अभी आपका प्लान है कि आप रविंद्र संगीत में जो है मास्टर करें, तो आपके पास 3 ईयर्स का जो है एप्टीट्यूड, मतलब 3 ईयर्स आप कहीं से रविंद्र संगीत सीखे हो और आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर की डिग्री हो, तो भी आपका एम ए इन रविंद्र संगीत हो सकता है। नहीं तो सिंपल आपके पास अगर बी ए इन रविंद्र संगीत है तो आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है। ये दोनों क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने होंगे। फिर देखिए एम फिल दिया हुआ है, एम फिल 2 ईयर्स अंडर सिस्टम लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एम फिल मतलब होता है गाइस मास्टर इन फिलोसफी, मतलब मास्टर इन फिलोसफी इन म्यूजिक, मतलब म्यूजिक में फिलोसफी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा मैं डिब्बा पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो कैंडिडेट हैविंग मास्टर, कैंडिडेट हैविंग मास्टर्स डिग्री विथ 55% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट डिग्री 50% फॉर SC/ST PWD PH फ्रॉम एनी UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया और एन इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड फॉरेन यूनिवर्सिटी शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू द MPhil प्रोग्राम ऑफ स्टडी इन हिज हर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी और इन सब्जेक्ट ऑफ अलाइन डिसिप्लिन और इन एन इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट एज द केस मे बी इन रिस्पॉन्स टू द एडमिशन नोटिफिकेशन, ठीक है। तो ये MPhil 2 ईयर्स का सिस्टम है। इसका मैं देखिए क्या है, कैंडिडेट हैविंग मास्टर डिग्री, मतलब मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका और विथ 55% मार्क्स इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड, मतलब ठीक है, फ्रॉम एनी UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है। मतलब 55% मार्क्स होना चाहिए आपका मास्टर में जिस भी सब्जेक्ट से आप MPhil करना चाहते हैं, ठीक है, थीके? जिस भी सब्जेक्ट से आप कैंडिडेट हैविंग मास्टर्स डिग्री विथ 55% मार्क्स, मतलब 55% मार्क्स आपका होना चाहिए मास्टर में, ठीक है। और जो SC/ST PWD कैटेगरी, SC/ST जो कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं उनके लिए जो है 55% ही मार्क्स जरूरी है, ठीक है। फ्रॉम UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया और एनी इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड फॉरेन यूनिवर्सिटी शैल बी एलिजिबल, ठीक है। मतलब कि इंडिया में मास्टर डिग्री के बराबर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए या फॉरेन का भी कोई डिग्री है जो कि मास्टर के बराबर जो है एलिजिबिलिटी रखता है, वो भी आप दे देंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू MPhil प्रोग्राम और हिज इज अ डिसिप्लिन, मतलब जिस भी सब्जेक्ट में आप MPhil करना चाहते हैं, ठीक है, उसी सब्जेक्ट में आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में इतना ही जानकारी है। अब हम लोग नीचे चलते हैं PhD प्रोग्राम में। देखिए यहाँ पे कुछ नीचे चीज़ें दिया हुआ है, जैसे फॉरेन यूनिवर्सिटी बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू द MPhil प्रोग्राम ऑफ स्टडी इन हिज हर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट मतलब जिस भी सब्जेक्ट से आप पीछे पढ़ के आए, मतलब मान लीजिए आपने फ्लूट तबला पढ़ा है, मान लीजिए आपने BA में या मास्टर में, अब आप MPhil करना चाहते हैं, मतलब सेम सब्जेक्ट में कर सकते हैं, ठीक है। इसी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है, घुमा फिरा के लिखा हुआ है, कुछ खास यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब यही है, ठीक है। मतलब इसका यही मतलब है कि जिस सब्जेक्ट से आप किए हैं पीछे उसी सब्जेक्ट से MPhil करना चाहते हैं और कर भी सकते हैं उसी में, दूसरे में नहीं कर सकते हैं। तो PhD के बारे में लिखा हुआ है, थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो PhD 2 से 6 ईयर्स का यहाँ पे होता है, ये मिनिमम 5 ईयर्स का होता है, बट यहाँ पे 2 से 6 ईयर्स लिखा है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कैंडिडेट हैविंग मास्टर्स डिग्री विथ 55% मार्क्स 50% फॉर SC/ST एंड PW और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड फ्रॉम एनी UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया और डिग्री, यहाँ पे गाइस देखिए सेम यहाँ पे आपको जो है, मतलब कि जो भी चीज़ें हैं जो ऊपर MPhil में आपको समझाया है उसी के बारे में बताया जा रहा है, सेम एलिजिबिलिटी है। मान लीजिए आप किसी सब्जेक्ट से PhD करना चाहते हैं, मैं ये वाले एलिजिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए आप किसी सब्जेक्ट में PhD करना चाहते हैं तो उसी सब्जेक्ट में आपको मास्टर होना चाहिए विथ 55% मार्क्स, बट ST/ST के लिए 50% मार्क्स ही होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे आप दूसरी यूनिवर्सिटी से भी किए हो मास्टर,
ठीक है, तो उसमें हो जाएगा आपका, या किसी फॉरेन से किए हैं आपने मास्टर और तो भी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया पूरा रविंद्र संगीत के बारे में। ठीक है, BA इन म्यूजिक, MA इन म्यूजिक, MPhil एंड PhD। तो यहाँ पे देखिए वोकल म्यूजिक के बारे में दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए वोकल म्यूजिक के बारे में दिया हुआ है, और जो भी मैंने चीजें समझाया है सारी चीजें सेम है। ठीक है, बस यहाँ पे रविंद्र संगीत की जगह वोकल म्यूजिक हो जाएगा। अगर आप BA करना चाहते हैं वोकल म्यूजिक में तो आपको डिप्लोमा वोकल म्यूजिक में होना चाहिए, MA करना चाहते हैं वोकल म्यूजिक में तो आपका BA वोकल म्यूजिक में होना चाहिए। ठीक है, प्रोसेस सेम है। नीचे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा, तो देखिए यहाँ पे डांस दिया हुआ है, देखिए यहाँ डांस डिपार्टमेंट है। ठीक है, यहाँ पे डांस का डिपार्टमेंट है, सेम चीजें यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। देखिए हाई स्कूल प्लस, देखिए यहाँ पे देखिए हाई स्कूल प्लस टू और इक्विवेलेंट विद द स्पेशल एप्टीट्यूड इन डांस, मतलब प्रोसेस सारा सेम है, बस स्ट्रीम मतलब सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। देखिए डांस में भी आप BA MA PhD MPhil ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, फिर ड्रामा, देखिए एक स्पेशल चीज और आ जाता है ड्रामा। ठीक है, देखिए ड्रामा में भी बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है ये। देखिए ड्रामा में आप BA कर सकते हैं, MA कर सकते हैं, MPhil और PhD तक कर सकते हैं आप ड्रामा में। ठीक है, तो देखिए सारी चीज़ें वही है, मतलब सेम चीज़ें हैं। ठीक है, कैंडिडेट हैविंग 55% मार्क्स इन मास्टर इन म्यूजिक। ठीक है, तो 50% मार्क्स जो है CST के लिए है, सेम प्रोसेस है, बस सब्जेक्ट चेंज है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ को नोट करिए इसे, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में भी देखिए यहाँ पे BA MA MPhil एंड PhD तक है। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे म्यूजिकोलॉजी, म्यूजिकोलॉजी मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक्चुअल में होता क्या है। म्यूजिकोलॉजी मतलब होता है यहाँ गाइस स्टडी ऑफ म्यूजिक, ओके, इज कॉल्ड म्यूजिकोलॉजी, मतलब थ्योरी पार्ट ऑफ म्यूजिक। हम लोग सारे गामा भी गाते हैं और उसको पढ़ते भी है, थियोरेटिकली दोनों करते हैं, बट यहाँ म्यूजिकोलॉजी ओनली थ्योरी पार्ट ऑफ म्यूजिक, ओके। तो इसमें मास्टर कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं। ठीक है, म्यूजिकोलॉजी में मार्च कम्युनिकेशन एंड वीडियोग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूनिवर्सिटी को एक खास यूनिवर्सिटी बनाता है, वीडियोग्राफी है, क्योंकि ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में नहीं होता है, इसमें है। तो वीडियोग्राफी में भी आप मास्टर PhD तक कर सकते हैं, और सेम जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, अगर BA करना चाहते हैं तो डिप्लोमा, और MA करने के लिए आपको BA होना चाहिए इन वीडियोग्राफी। ठीक है, और PhD करने के लिए मास्टर होना चाहिए सेम सब्जेक्ट में। के लिए हम लोग नीचे चलते हैं, कुछ और जानकारी हम लोग को मिल जाएगा। देखिए डिपार्टमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ रविंद्र संगीत, रविंद्र संगीत में क्या क्या है थोड़ा डिटेल में यहाँ बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको थोड़ा जानकारी भी मिल जाएगा, जैसे इंस्ट्रूमेंट में जानकारी नहीं था कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट सिखाए जा रहे हैं, तो ये जो है डिपार्टमेंट में आपको थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा जानकारी है, आप अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसे ही ये 30 मिनट से ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा रविंद्र संगीत में, जैसे यहाँ पे देखिए पेपर्स के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए टेक्निकल टीचिंग फैकल्टी में प्रोफेसर्स के नाम लिखे हुए हैं, उनके जो पढ़ाई किया उन्होंने वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब प्रोफेसर्स है। डिपार्टमेंट ऑफ वोकल म्यूजिक में भी देखिए यहाँ पे तीन चार चीज़ें हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बंगाली सॉन्ग, फोक सॉन्ग, कीर्तन, ये सारी चीज़ें यहाँ पढ़ाया जाता है, तो इसके बारे में भी जो है यहाँ पे दिया हुआ चीज़ें। देखिए यहाँ पे भी टीचिंग फैकल्टी में लिखा हुआ है कि किसने किन्होंने किन्होंने जो है कौन सी पढ़ाई की हुई है। ठीक है, accompanist मतलब गाइस होता है यहाँ पे साथ देने वाला, मान लीजिए कोई गाना गा रहा है तो उसके साथ कोई साथ देता है तबले पे, उसको बोलता है accompanist। ठीक है, तो accompanist यहाँ पे लिखे हुए सारे, उनके नाम और उनका जो भी क्वालिफिकेशन है वो लिखा है। डिपार्टमेंट ऑफ डांस के बारे में लिखा हुआ है गाइस यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था वहाँ पे लिखा हुआ है, मैं थोड़ा पढ़ के दिखाता हूँ। इट इज़ ओनली डिपार्टमेंट इन द कंट्री वेयर 6 क्लासिकल डांस फॉर्म्स, भरतनाट्यम, कथक, काठाकली, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी एंड उड़ीसी आर टॉट टिल द PhD लेवल। गुड, देखिए ये हम लोग बोल रहे थे, ये हम लोग को यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, 6 डिपार्टमेंट के डांस सिखाए जाते हैं, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, उड़ीसी डांस। ठीक है, ये सारी चीज़ इसमें सिखाया जाता है। ठीक है गाइस, तो इसमें सारे आपको जानकारी मिल जाएंगे, आप इसके बारे में देख सकते हैं, ईस्टर्न डांस, वेस्टर्न डांस, कैसा कैसा सारी चीज़ें हैं ना
इसमें वेस्टर्न से मतलब इंडिया का वेस्ट, ठीक है, अमेरिका नहीं पहुंचेगा। तो ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो इसके बारे में पढ़िए। देखिए यहाँ टीचिंग फैकल्टी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो है और भी सारी चीज़ें टीचिंग फैकल्टीज, ठीक है, उनके नाम लिखे हुए जो जो वहाँ पढ़ाते हैं, अकॉम्पनिस्ट के नाम लिखे हुए हैं। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ ड्रामा के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। मैं वीडियो को पॉज कर दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिए इसको, ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ये पूरा पॉज कर दीजिए, पॉज करके आप अपना पढ़िए। डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इसको भी पढ़ लीजिए आप लोग। देखिए इंस्ट्रूमेंट में मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बीए ऑनर्स एमए कोर्स एमफिल एंड रिसर्च प्रोग्राम आर टॉट इन द डिपार्टमेंट, द सब्जेक्ट आर इसराज सितार। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसराज सितार सरोद वायलिन फ्लूट तबला पखावस श्रीखोल हारमोनियम गिटार संतूर एंड पियानो, सारी जो है चीज़ें हैं यहाँ पे पढ़ाई जाती है गाइस। यहाँ पे देखिए विस्तार में लिखा हुआ है कौन कौन से सब्जेक्ट में इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक कराया जाता है, पीएचडी तक कराया जाता है, ठीक है। फिर द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सब्जेक्ट आर एम्फसाइज्ड इन कोर्स, मतलब थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों पढ़ाया जाता है। वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक पियानो गिटार वायलिन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एट द यूजी लेवल इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक विद इफेक्ट फ्रॉम 14-15 एकेडमिक सेशन अंडर द कोऑर्डिनेटरशिप श्री गौतम घोष एंड एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ द डिपार्टमेंट। मतलब वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक पियानो गिटार एंड वायलिन इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया था 2014-15 में, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए टीचिंग स्टाफ लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिकोलॉजी इसके बारे में भी लिखा हुआ है, देखिए सारी चीजें लिखा हुआ है, ठीक है, पढ़ लीजिए इसको विस्तार से। डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड वीडियोग्राफी इसके बारे में भी बहुत ज्यादा जानकारी है, आप पढ़िए इसे। एग्जामिनेशन, देखिए एग्जामिनेशन के बारे में लिखा हुआ है गाइस, एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, सेमेस्टर सिस्टम इन एग्जामिनेशन, मतलब सेमेस्टर का कैसे एग्जाम होता है उसके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के बारे में दिया हुआ है कि कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ आप कौन कौन सा सब्जेक्ट इलेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नोट दिए हुए हैं, ठीक है, इसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये हो गया एक ओवरऑल ओवरव्यू इस यूनिवर्सिटी के बारे में। अब आशा करते हैं कि आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे या व्हाट्सएप नंबर दिख रहे होगा उस पर आप जो है हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और इस यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो प्रिपरेशन के लिए हमें व्हाट्सएप करें, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।